इतना गुस्सा, इतनी नफरत मैंने नरेंद्र सर की आंखों में कभी नहीं देखी थी अपने लिए। वो मुझसे नफरत करने लगे। मुझे पता उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे कि उन्हें लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। उनके घर वाले जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी आंखों के सामने एक, एक, एक कपड़ा बन गया है जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से उनको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। शशांक, मैं उनकी अच्छाई जानती हूँ। वो बहुत अच्छे, उन्हें कोई तकलीफ ना हो मैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उनके घर वाले, फिर मैं क्या करूंगी? सोच समझ कर डिसाइड करना तुम क्या करोगे। अरे सोचना पड़ रहा है, रौनक क्या? हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं, रौनक तुम्हारा छोटा भाई है नरेन, तुम्हें याद है जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होता था भैया भैया करके तुम्हारे पास आता था और तुम उसकी हेल्प करते थे। आज भी रौनक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है आहाना की वजह से, आज भी उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और तुम रौनक के बारे में सोचो, उसका साथ तो हेल्प है नरेन, त्याला तुझी गरज है, तुला कहता है कमी काय मानती है। यू राइट अतु, मुझे कुछ करना ही होगा और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। इस सब मेस से निकलने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी है। आई नो इट। नहीं शशा, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मैं वही कह रहा हूं अंकिता, तुम नरेन के पास वापस चली जाओ। मानसी की तरफ से केस मैं लड़ूंगा, मैं संभालूंगा सब कुछ। नहीं, मैं मनु को छोड़ के नहीं जाऊंगी अकेले। अंकिता मानसी अकेली कहां है, मैं उसके साथ में हूं, प्रशांत भी है। अंकिता तुम प्लीज वापस घर चली जाओ और नरेन से बात करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी मानसी को छोड़ के। और जहां तक नरेन सर का सवाल है, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आनी है, फिर आई होप कि वो सब समझ जाए और मुझे फिर से अपना ले। मुझे बहुत नफरत करने लग गए, नफरत मुझसे कभी नरेन सर ने ऐसे बात नहीं की। घर चलो। शेखर का ऑफिस कहाँ है? जी आई मीन सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेखर गुप्ता, वो कैबिन कौन सा है उनका? सॉरी सर ही कांट मीट यू, आपने अपॉइंटमेंट ली थी। लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है मेरे भाई के केस के बारे में, प्लीज आप। सॉरी सर ही इज वेरी बिजी। अच्छा, आप सिर्फ उनको फोन करके बोलिए कि नरेन करमरकर आया, नरेन करमरकर फ्रॉम लंदन प्लीज। ओके आई कैन डू दैट, वेट। हेलो सर, सर आपसे नरेन करमरकर मिलने आए हैं। ओके फाइन सर, यू कैन गो सर। ओके थैंक यू। मिस्टर सिंघानिया आप बेफिक्र रहिए, तो उसकी बेल कल हो जाएगी, आप हमारे क्लाइंट हो। शेखर नरेन लंदन से। मिस्टर सिंघानिया आई कॉल यू बैक। नरेन कैसा है? After a long time. हाँ, I know. I think so, लंदन से आने के बाद पहली बार मिल रहे हो। लेकिन सच को तो लंदन में जो मस्ती की ना, वो मैं नहीं भूल सकता। Nice office. Please bet. Thank you. You know, मुंबई आए हुए मुझे करीबन 3-4 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं तुझे फोन करूँ, तुझसे मिलने आऊँ। केस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हूँ। हेल्प करेगा ना? प्लीज मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ कि तेरा खतरे में। तू हेल्प करेगा ना? रौनक इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। अरे नारी श्योर कि वो इनोसेंट है? हाँ यार आई स्वेयर वो इनोसेंट है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तू अच्छे से जानता कि मैं फॉल्स केसेस नहीं लेता हूँ। मुझे पता है यार, लेकिन रौनक ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मेरा छोटा भाई है। पता नहीं ये आना को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, कोई गलत फहमी है छोटी सी यार, पता नहीं कैसे हो गया ये। आना ने ऐसा क्यों किया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आना तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना, तुम्हें भी ऐसे लग रहा है कि आना ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करती है, और हमारी शादी को भी 1 महीना 16 दिन 8 घंटे और 53 मिनट हो गए हैं। और लेकिन मैं सब कैलकुलेट करता हुआ आ रहा हूँ। आना से शादी? लेकिन आना तो तुम्हें पता है आना की छोटी बहन मानसी, जिसका ये केस है जो रौनक के अगेंस्ट है,
उसको मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, और अगर वो मेरी छोटी बहन है तो रौनक की भी बहन हुई ना, और रौनक अपनी बहन के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता, रौनक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन मानसी भी झूठ नहीं बोल रही, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो है, एक बार रौनक का केस हो जाए ना फिर तुम मानसी का केस लड़ना, उसको न्याय दिलाना, दिलाओगे ना प्लीज, रौनक को बचाओगे ना? अगर रौनक बेकसूर है तो मैं डेफिनेटली ये केस लड़ूंगा। थैंक सो मच, थैंक यू। तू तू जितने पैसे चाहिए तो बोल, मैं ऑफिस फोन करके चेक मंगा लेता हूँ। बड़ा हो गया कि पैसे देगा मुझे, दोस्त से पैसे लूंगा क्या? अरे तूने भी मेरी मदद की, पैसे लिए थे तुझसे मैंने, मैं लड़ूंगा ऐसे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। यस, शेखर कुत्ता रौनक का केस लड़ेगा तो रौनक जरूर छूट जाएगा। यस, आई न्यू इट। जो भी एविडेंस चाहिए, जिनसे भी बातें करनी है, मैं रौनक, रौनक से बात करनी है तुझे, मैं मिला सकता हूँ, तुम रौनक से मिलने चलो, आ जाओ, कम, लेट्स गो मीट रौनक। रौनक से अकेले में मिलूंगा, यही अच्छा होगा। वो क्या होता कि अगर आसपास अगर चार लोग हो तो विक्टिम थोड़ा परेशान। चार लोग और हम तो ठीक है, अगर तू अकेला मिलना चाहता है तो अकेले मिल, नो प्रॉब्लम। मुझे भी एक जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, मैं वो करने चले जाता हूँ। बाय, थैंक यू, थैंक्स। नरेन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? क्रीप, मौसी यहाँ आ गए, अभी जाके मैं उनसे बात करती हूँ। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, हाँ काम हो गया? What do you mean काम नहीं हुआ? कर क्या रहे थे तुम लोग इतनी देर से? सुनो, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ, मुंबई से निकल रहा हूँ, मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए, यू अंडरस्टैंड दैट? एक भी गलती नहीं चाहिए मुझे। And listen, मैं सर मैडम भी आ रही हूँ, पूर्वी मैडम, मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार होने चाहिए, and I hope you better understand that. Got it? ये मौशी को कहां लेके जा रहा है? मैं मौशी को पहले ही सब कुछ सच सच बता देती, एटलीस्ट वो थोड़ा प्रिपेयर तो रहती। अब मैं क्या करूं? ये आदमी तो मौशी को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। अब तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ पिया, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ मौशी को। पर नहीं, फोन भी नहीं कर सकती हूँ, फोन करूंगी तो सारी बात बिगड़ जाएगी। पूर्वी देशमुख जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी बात पर क्यों भरोसा करेगी? क्या करूँ, क्या करूँ? इनको फॉलो ही करती हूँ मैं, उनके साथ ही रहना अच्छा आइडिया है। Come on, पिया, the mission is on. अब तो पता करना ही पड़ेगा ये आदमी कहाँ लेके जा रहा है मौसी को। चलो कैसी है मानसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना। नरेन सर, सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अभी? मानसी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा, और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। बैठो। देखो मानसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और
और हमेशा रहूंगा, तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम मेरी साली नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। और हर भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करे, उसके मान सम्मान के लिए लड़ मरे, और वो मैं जरूर करूंगा। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मेरा एक दोस्त है शेखर गुप्ता, जो बहुत अच्छा एडवोकेट है, वो भी अभी वो रौनक का केस लड़ रहा है, पहले उसे निर्दोष साबित करेगा, उसके बाद तुम्हारा केस लड़ेगा। और तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया ना, उसको सजा जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी। देखो मानसी, आई बिलीव यू, मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। अगर तुमने कहा है कि किसी ने तुम्हारे साथ, वो रौनक नहीं हो सकता। आना को भी कोई गलतफहमी हो गई है, और ये गलतफहमी मैं दूर करके रहूंगा, मैं अपने भाई को ठीक साबित करके रहूंगा, ये सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मैंने रौनक से भी बात की, देखो बुरा लड़का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा किसी को, और खास करके मुझे, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगा वो, सच बोल रहा हूँ मैं। और उस दिन तो वैसे भी वो होटल में था किन्नरी के साथ, किन्नरी ने खुद बोला ना। देखो मानसी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें न्याय दिला के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिसने भी गलत काम किया उसको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है शादी हुए फेरे लेते हुए हम दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करेंगे। देखो मैं तुम्हें अपनी बहन मान रहा हूं, लेकिन हाना रौनक को अपना भाई नहीं मान रही, वो चीटिंग कर रही है। मैं तो खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ पे आके, लेकिन उसने क्या किया, मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माना ही नहीं। मैं पक्का वादा करता हूं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? थैंक गॉड, कम से कम तुम तो मुझ पर भरोसा करती हो। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, लौकी मेरी फेवरेट है ना, तो अगर थोड़ी सी सब्जी मिल जाएगी तो। बैठो बैठो, उसे जाने दो, वैसे भी अच्छी सब्जी बनाती है ना। मानसी, अगर तुम मुझे दोगी तो मैं तभी खाऊंगा, और पानी भी तभी पीऊंगा अगर तुम मुझे दोगी तो, किसी और के हाथ से नहीं खाऊंगा। थैंक यू। गरम है, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है मानसी, तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। लेकिन बस इतनी सी क्यों बनाई है, मुझे और खानी है। आना ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, रौनक की वजह से घर छोड़ के आ गई, लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं तो तुमसे मिलने आ गया ना, लेकिन आना मुझसे मिलनी है, आ सकती थी ना मुझसे मिलने? समय रात को आई थी आपसे मिलने। मानसी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, और तुम्हारे हाथ से सब्जी और पानी पीऊंगा। मैं आया ना तुमसे मिलने, और वो मैं जिससे बात नहीं कर रहा वो भी तो आ सकती थी ना मिलने,
क्योंकि हमने साथ खरीद लेते वक्त एक दूसरे को वचन दिया था, यू नो, चौथा वचन यही था कि हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और कहाँ गया एक दूसरे का साथ? अब नहीं दिया ना किसी ने एक दूसरे का साथ। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा जैसे मैंने कहा था। बस सर, अरे ये आदमी मौसी को कहाँ लेके जा रहा है? इसको फॉलो करते करते तो मैं हाईवे तक आ गई। He's so unpredictable. I'm sure he's up to something. कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुंबई पुणे हाईवे? ये मौसी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? और वो भी इतने सामान के साथ? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। He's up to something. हेलो, हाँ मैम। मैम अब डैड कैसे हैं, उनकी तबीयत? अब अर्जुन ठीक है, डॉक्टर ने भी कहा है कि he's out of danger, पर आजकल उसे ये सब अटैक काफी फ्रीक्वेंटली आने लगे, बस इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। और अब वो बात बात कर पा रहे हैं या नहीं? अभी तो नहीं, एक आध घंटे में उन्हें हो जाएगा। आई गेस हम अब तक घर भी चले जाएंगे। पिया तू घर क्यों आई थी? काफी टेंस भी लग रही थी। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मॉम, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ छुपा रही है ना तुम मुझसे? नहीं मॉम, कुछ नहीं। एक्चुअली इस वक्त मैं मुंबई पुणे हाईवे पे हूँ मॉम। क्या तू वहाँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है इस वक्त? पता नहीं मॉम। पता नहीं मतलब? मॉम मैं इस ऋषभ कपूर का पीछा करते करते मुंबई पुणे हाईवे तक आ गई हूँ। पता नहीं ये मौसी को कहाँ लेकर जा रहा है। Something is fishy, mom. आज तो वो गाड़ी भी खुद चला रहा है। ड्राइवर तक को छुट्टी दे दी उसने। मॉम तुम सोचो ना, शादी में बस एक हफ्ता बाकी है और ये तैयारियां छोड़ के मौसी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है मॉम, पर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। पिया, are you crazy? तू अकेले वहाँ, इसने तुझे देखा तो नहीं? अरे नहीं मॉम, वो कहाँ देख पाएगा मुझे, उसने तो मुझे अब तक नोटिस भी नहीं किया। I'm alert, mama. मैं सब देख रही हूँ ठीक से। मैं मौसी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं मौसी के साथ यहीं रहती हूँ। पिया मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, पूर्वी भी मेरी बहन है, पर तो भी तो मेरी बेटी है ना, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही। मैं काम करती हूँ, मैं भी वहाँ आती हूँ। नहीं 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 मॉम, तुम अभी डैड के पास रहो, डैड को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन पिया मैं अपने आप को संभाल लूंगी मॉम, और अगर मुझे जरूरत होगी तो मॉम मैं आपको फोन कर दूंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ आपको, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करके सब बताती हूँ। मुझे ना इस आदमी पे बहुत शक हो रहा है, he is up to something. मैं पता करके आपको वापस फोन करती हूँ। ओके एंड टेक केयर। हाँ हाँ मॉम बाय। अजीब लड़की है ये, अभी तक आई नहीं बनी है ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं पा रही है क्या करूँ मैं। एक तरफ पिया है और एक तरफ अर्जुन, दोनों को ही अकेला नहीं छोड़ सकती। अर्जुन की ऐसी हालत में उसे कुछ बता भी नहीं सकती मैं। एक काम करती हूँ, पूर्वी को कॉल करती हूँ। The number you are trying to call is currently The number you are trying to call is currently मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे चाय के लिए रुक सकते हैं? Of course. I'm just stopping. Is this place okay? ज़्यादा टाइम मत लेना, थोड़ा जल्दी कर लेना प्लीज। ऐसी भी क्या जल्दी है कि चाय पीने के लिए? नहीं नहीं ऐसी कोई जल्दी नहीं है, it's just that it's a scheduled meeting, तो काफी लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा आप कुछ लेंगे? Thank you so much.
दादा एक चाय दीजिएगा। अच्छा भाई साहब दो कप चाय दे दीजिए और इलायची मारिए प्लीज। अर्जुन तुम तब से पांच बार रुक चुके हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो और अब दो दो चाय। हाँ तो चाय में क्या प्रॉब्लम है? पहले हमने पकोड़े खाए थे, उसके पहले खाना खाया था और अब चाय पी रहे हैं। चाय पीना तो जरूरी है ना। एक बात बता, तुम्हें किसी ने स्कूल में सिखाया नहीं कि हम किसी डेस्टिनेशन पे जब जा रहे होते हैं तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज्यादा वो जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कितनी बोरिंग होती जा रही है। कम ऑन, यू गो। और फिर उसके बाद इतने मजे करने के बाद मीटिंग पोस्टपोन हो जाए और कभी कभी तो कैंसिल भी हो जाए, फिर एक दिन रुक जाओ और फिर एक दिन वेस्ट है ना। वेस्ट? पूर्वी उसे वेस्ट नहीं कहते, उसे कहते इन्वेस्टमेंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट। वो कैसे? मेरी बात सुनो, जब तुम और मैं बुढ़े हो जाएंगे, यू नो ऑल दीज, हमारे कितने सारे बच्चे होंगे, 4-5-6-7 तो होंगे, हमारा पूरा इतना बड़ा खानदान होगा, तो तब जब तुम इतनी बुढ़ी हो जाओगी तब क्या तुम इस तरह से ठेले पे या ढाबे पे आके मेरे साथ चाय पी सकोगे? नहीं ना, तो तब की यादों के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, तो मैं तब की सोच अभी से रख रहा हूँ, यू नो। और वैसे बाय द वे तुम भूल गई कि तुम और मैं पहली बार एक ढाबे पे मिले थे जहाँ पे तुम नाचने लगी थी, रिमेम्बर दोस डेज? तुम पता कैसे बात कर रहे हो? कैसे? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने तब से शादी के बारे में सोचा। तो ऑफ कोर्स सोचा होता तब से मैंने शादी के बारे में। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, तो मैंने तब से सोच के रखा था कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी, राइट?